अक्षय चौथी विषय हिंदी घटक दो बसंती हवा। बसंती हवा इस कविता के रचनाकार हैं जो छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। उन्होंने बहुत ही रचनाएं विकसित की है। इस बसंती हवा इस घटक के अंदर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने बहुत मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखिलियों का वर्णन किया है। हवा कैसी है? बसंती हवा यानी बसंत ऋतु में बहने वाली हवा, जो साल भर में 6 ऋतु आते हैं, ऐसा एक ऋतु है बसंत ऋतु। ये बसंत ऋतु में जो हवा बहती है, इसे हवा का मानवीयता से बहुत ही मस्ती भरे शब्द द्वारा कवि ने वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि एक हवा है जिसका नाम बसंती हवा है। ये हवा अनोखी है, बहुत ही निराली है, सीधी सी है, अपने धुन में रहती है, बहुत ही बावली है, उसे किस बात की फिक्र नहीं है, किसी बात की उसे चिंता नहीं है, वो बिल्कुल निडर है। ऐसी हवा बसंती हवा है। मस्त मौला है, एक मुसाफिर है, जहां उसका मन चाहता है वहां वो घूमती है, फिरती है, जिधर चाह उधर वो जाती है, वह शरारत करती है, ऐसे एक हरकत करती है, एक मवे के पेड़ पर जाती है। मवे का पेड़, मवे के पेड़ को लाल रंग के फूल आते हैं, ऐसे फूलों से दवा बनाई जाती है। ऐसे मवे के पेड़ पर चढ़कर ये बसंती हवा वहां शरारत करती है, ऊपर जाती है, नीचे उतरती है, फिर बाद में दम से गिरती है, फिर बाद में गिरकर भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर ये बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ती है। वहां भी वो शाम से नहीं बैठती, वहां भी शरारती करती है, आम के पेड़ के कानों में कुछ झकोड़ देती है, कुछ कह देती है, वहां भी आम के पेड़ को सताती है, शरारत करती है। वहां से उतरकर ये हवा एक खेत में पहुंचती है जहां गेहूं का खेत है, हरा भरा गेहूं का खेत है, ऐसे खेत में एक बसंती हवा पहुंचती है। वहां पर दो पर रुकती है, ठहरती है, फिर वहां जो फसलें है वो फसल से शरारत करती है। खासतौर पर वो फसल है अलसी की। अलसी के फसल को छोटे छोटे दाने आते हैं, छोटे छोटे उसे दाने आते हैं, ऐसे दानों को हिलाती है, ऐसे फसल को हिलाती है,